ओम शांति। तो कि एक व्यक्ति ने अगर पूर्व जन्म का कहे तो पूर्व जन्म का तो भोग क्या आया, अब कौन सा कर्म रहेगा। अरे आज की दुनिया में तो यहां तक सुनने को मिलता है कि एक बच्चा गर्भ में है और गर्भ में उसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जब कर्म आरंभ ही नहीं किए, उसके पहले इतनी भोगना यातना से गुजरना, ये कौन से कर्म का फल है। पूर्व जन्म के कर्म का फल कहे तो वो तो भोग करके आया ना, 84 लाख योनियों से गुजर करके। तो अब कौन सा कर्म रह गया। और जब गुजर करके सारे कर्मों को चुक्तु करके फिर मानव योनि प्राप्त हुई, तो मनुष्य हर रीति से संपन्न होना चाहिए। हर बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ होना, शी की योनि है या मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में कितने प्रकार की भोगनाएं हैं, पशु योनि में तो खाली शारीरिक भोगना होगी। आज पशु पक्षियों को कोई टेंशन तो नहीं है, मनुष्य को जितना टेंशन होता है उस हिसाब से इतना टेंशन में जीता है मनुष्य। इतना ही नहीं, शारीरिक भोगना, मानसिक भोगना और इमोशनल में बहुत खुश है। आज पशु पक्षी अपनी योनि में बहुत खुश है। एक बार हम जा रहे थे माउंट आबू, रास्ते में बहुत बंदर आते हैं, तो बंदर आपस में उछल कूद कर रहे थे कि अचानक सामने से एक ट्रक आई तो बंदर कूद रहे थे, तो एक बंदर का जजमेंट थोड़ा फेल हो गया और वो उसी समय वहां पर कूदा और ट्रक की टक्कर लगी और उछल करके जोर से गिरा, लगा कि मर गया। जैसे ही ट्रक गुजर गई, आप मानेंगे नहीं, सारे बंदर उछल उछल करके वहां पहुंच गए जहां वो गिरा और उसको साइड में कर दिया ताकि दूसरा कोई व्हीकल उसके ऊपर से न गुजर जाए। और सब उसके इंतजार में बैठे, उसको होश कब आए, हम देख रहे थे सारा दृश्य। और जैसे ही उस बंदर को होश आया, सब इतने खुश होकर के उछलने लगे, ये बंदर है। आज मनुष्य को अगर कोई टक्कर मार दे तो लोग खड़े भी नहीं होते हैं देखने के लिए, या उसको कोई मदद करने के लिए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए, इतना अंतर है मनुष्य में और बंदरों में। इतना बड़ा कटाक्ष मनुष्य की मनोवृत्ति पर किया गया था, इसलिए कहा कि हर प्राणी अपने अपने योनि में बहुत खुश है। दूसरी बात कि कहा जाता है जैसा, क्योंकि वो स्लो पेस से चलता है तो 4 दिन में वो पहाड़ी पर पहुंच गए, हाथी बच गए। 4 दिन पहले उसको मालूम पड़ गया सुनामी आने वाली है। मनुष्य के पास इतने साधन संसाधन होने के बावजूद भी उसको 24 घंटे पहले भी मालूम नहीं पड़ा। पक्षियों को भी मालूम पड़ जाता है, वो भी आवाज करने लग जाते हैं, उड़ना चालू कर देते हैं। तो जो विशेषता, क्यों, तो कहा मुझे पहले दिन ही मालूम पड़ गया था कि हमारे घर में रेड पड़ने वाली है, और इसलिए जब रेड पड़ने वाली है तो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हाथ में आए सूटकेस में भर करके उस पिटारे के अंदर डाल करके उसको वहां झाड़ के नीचे खड्डा खुदवा करके दफना, जो मैं और हरी दो ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। और इसलिए वो आत्मा जब गई, वो संस्कार लेकर के गई, माना वो अंतिम इच्छा यही थी उसकी मरने से पूर्व कि अब सब दबा का दबा रह जाएगा, किसी को कुछ नहीं। तो ये जन्म में जा करके भी वो पिछली स्मृति जो उसको सता रही थी अंदर में कि बच्चों को दे करके फिर आऊं मैं, और जैसे ही उसने हैंडओवर कर दिया उसके बाद विस्मृत हो गया। फिर अपने माता पिता को कहते हैं चलो अपने घर, बस वो लास्ट संकल्प उसका पूरा हो गया। ठीक इसी तरह कई बार पशु भी अपना पूर्व जन्म बताते हैं कि वो पशु ही थे पिछले जन्म में। कैसे, तो मुझे याद आता है कि एक बार एक
न्यूज़पेपर में ये बात आई थी, एक कपल अपने कुत्ते के साथ घूमने गए थे। जैसे ही आ रहे थे तो अचानक वो कुत्ता एकदम परेशान होकर के खूब भौंकने लगा। इन लोगों ने जैसे गाड़ी खड़ी किया तो उसने खिड़की से, वो कांच से खुला था, कूद करके सामने एक फार्म हाउस था उसमें दौड़ करके चला गया। ये लोग उसके पीछे पीछे गया कि पता नहीं उसको क्या स्मेल आई, क्या हुआ, क्यों गया वो। वहां जाने के बाद एक बूढ़ी माता जी थी जो घूम रही थी, तो उसको जैसे प्यार करने लगा। वो बूढ़ी माता जी को भी पता नहीं किसका कुत्ता है, क्यों इतना प्यार कर रहा है। जैसे वो वहां पहुंचा तो बूढ़ी माता जी ने कहा, पता नहीं ये आपका कुत्ता है? कहा, हाँ हमारा कुत्ता है, यहाँ दौड़ करके ले आया। वो बूढ़ी माता जी देखती रह गई। फिर अचानक वो कुत्ता पीछे की ओर गया, मचान पर कुछ ढूंढने लगा। तब ये बूढ़ी माता जी हंसने लगी, कहा ये कितने साल का कुत्ता है? कहा 3 साल का। कहा 3 साल पहले मेरे पास एक कुतिया थी और ये जो ढूंढ रही है ना, उसने अपने बच्चे वहां रखे थे, बच्चों को ढूंढ रही है। कहा फिर क्या हुआ? तो कहा वो मचान पर रखा था, बर्फ के दिन थे, इतना बर्फ गिरी और उसके बच्चे सारे बर्फ में ढक गए थे। वो बर्फ निकाल रही थी बच्चों के ऊपर से और जो है अचानक उसका पैर फिसला, नीचे गिरी, नीचे एक वो कुल्हाड़ी थी उसके ऊपर गिर करके मर गई। ये अभी जो ढूंढ रही है ना, वो लास्ट उसकी एक्शन, तो एक कुत्ते ने भी अपना पूर्व जन्म बताया तो कुत्तिया ही थी। मनुष्य ने अपना पूर्व जन्म बताता है, मनुष्य है। तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि जानवर योनि से मनुष्य बने, ये किसी ने नहीं बताया। कहने का भावार्थ, मनुष्य मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का फल भोगता है। ओम शांति।